तो केकेआर की जीत से लखनऊ आईपीएल से हुआ बाहर और केकेआर की टीम पहुंच गई प्लेऑफ में। इसके साथ दोस्तों राजस्थान को लगा बड़ा झटका और देखिए मुंबई दिल्ली और आरसीबी पंजाब को भी हो चुका है भारी नुकसान। तो आइए जानते हैं कि आईपीएल का 54वां मैच खत्म हो जाने के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं, किन टीमों के कितने परसेंट चांस रह गए हैं प्लेऑफ में जाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहां दोस्तों आईपीएल का 54वां मुकाबला केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच हुआ, जहां इस मैच में केकेआर की टीम ने 98 रनों से इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करी। इसके बाद इनके नेट रन रेट में काफी ज्यादा सुधार हुआ, इसी वजह से पूरे पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम छा गई। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल में इस समय कौन सी टीम कितने नंबर पर है। जहां बात करें नंबर 10 से तो नंबर 10 पर अब मुंबई इंडियंस की टीम है, जहां मुंबई ने 11 में से केवल 3 मैच जीते हैं, 8 मैच हारे हैं और उनके नेट रन रेट -0.356 है और उनके 6 ही पॉइंट है। यानी कि मुंबई की टीम अब यहां से पूरी तरह आईपीएल से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनके केवल अब 3 मुकाबले बचे हैं। वो 3 मैच भी जीत जाती है तो 12 अंक तक पहुंचेगी और 12 अंक के साथ उन्हें प्लेऑफ में जाना पूरी तरह मुश्किल दिख रहा है। और इसी वजह से दोस्तों मुंबई की टीम प्लेऑफ से पूरी तरह बाहर दिख रही है। और इसके बाद 90 नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है और गुजरात ने 11 में से 4 मैच जीते हैं और 7 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट -1.320 है और उनके 8 ही पॉइंट है। और गुजरात टाइटंस की भी हार पूरी तरह बेकार हो चुका है, क्योंकि गुजरात की टीम अपने बचे हुए 3 मैच जीत कर भी 14 अंक तक पहुंचेगी और उनके नेट रन रेट तो बेहद ही खराब है वैसे भी, और इसी वजह से उनके प्लेऑफ में जाने के चांस यहां से केवल 10% की दिख रही है। जहां 8वें नंबर पर पंजाब टीम है, दोस्तों पंजाब ने 11 में से 4 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं, तो उनके नेट रन रेट -0.187 है और उनके 8 पॉइंट है। और पंजाब की टीम अपने बचे हुए 3 मैच जीत जाती है तो फिर भी वो 14 अंक तक पहुंच जाएगी और दोस्तों 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में जाना काफी कठिन दिखाई देता है और इसी वजह से पंजाब के आगे जाने के चांस यहां से अब बेहद ही कम दिख रहे हैं। तो इसके बाद 7वें नंबर पर आरसीबी है, दोस्तों आरसीबी ने 11 में से 4 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और उनके नेट रन रेट -0.049 है और उनकी 8 पॉइंट है। और दोस्तों आरसीबी के हाल भी बिल्कुल सेम टू सेम पंजाब की टीम जैसा है और आरसीबी की टीम के भी अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीत जाती है तो फिर भी वो 14 अंक तक पहुंच सकेंगे और 14 अंक के साथ उनका भी प्लेऑफ में जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद 6 नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है और दिल्ली कैपिटल्स ने 11 में से 5 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं, उनके नेट रन रेट -0.442 है और उनका 10 अंक है। और दिल्ली की टीम के पास उनकी क्वालिफिकेशन बाकी है, अगर वो तीनों के तीनों मैच जीत जाती है तो उनका नेट रन रेट में सुधार आ जाएगा और उनका 16 अंक हो जाएगा। इस वजह से उनका प्लेऑफ में जाने के चांस अच्छा दिख रहा है और दिल्ली को भी धमाकेदार अंदाज में बाकी तीनों मैच जीतने होंगे और इसी वजह से यहां से 45% की चांस है प्लेऑफ में जाने की। तो 5वें नंबर पर लखनऊ की टीम है, जहां लखनऊ के करारी हार मिलने के बाद उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां उनके नेट रन रेट प्लस से सीधा माइनस हो चुकी है और उन्होंने 11 में से 6 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनके नेट रन रेट -0.371 है और उनके 12 पॉइंट है। अब लखनऊ की टीम को अपने नेट रन रेट सुधार करना पड़ेगा और साथ साथ आने वाले मैचों में भी बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी। अगर लखनऊ की टीम यहां से तीनों के तीनों मैच जीत जाती है तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे, उनके साथ वो क्वालिफाई तो कर जाएगी लेकिन आने वाले मैचों में उन्हें जीतना जरूरी है और अपने नेट रन रेट को बेहतर करना जरूरी है और इसी वजह से उनके प्लेऑफ में जाने के चांस अभी भी 60% की दिख रही है। तो दोस्तों 4थे नंबर पर हैदराबाद की टीम है और दोस्तों हैदराबाद की टीम 10 मैच खेलकर 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और उनके नेट रन रेट +0.072 है और उनके 12 पॉइंट है। और दोस्तों हैदराबाद की टीम इस समय काफी अच्छी पोजीशन पर है और इसी वजह से उनके प्लेऑफ में जाने के चांस भी यहां से 70% की दिख रही है, क्योंकि उनके 4 मैच बचे हैं, अगर 4 में से 3 मैच भी जीत जाती है तो वो आराम से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। तो इसके बाद 3रे नंबर पर चेन्नई की टीम है, दोस्तों चेन्नई ने 11 में से 6 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं, जहां उनके नेट रन रेट +0.700 है जो कि काफी अच्छी है और उनके 12 पॉइंट है। जी हां दोस्तों चेन्नई के यहां से बचे हुए 3 मैच जीते हैं और उनको अपने बचे हुए तीनों के तीनों मैच जीतने होंगे अपने आप को पूरी तरह कंफर्टेबल प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और इसी वजह से उनके प्लेऑफ में जाने के चांस यहां से हैदराबाद से थोड़ी कम है, यानी 65% है। तो 2रे नंबर पर राजस्थान की टीम है और राजस्थान की टीम अभी तक 10 मैच खेले हैं, 8 मैच जीतकर 2 मैच हारे हैं और इसी वजह से उनके नेट रन रेट +0.622 है और दोस्तों उनके 16 पॉइंट हो चुकी है, अपने 4 मैच भी उनका बची हुई है, 4 में से अगर एक भी मुकाबला जीत जाती है तो वो आराम से यहां से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। और इस समय सबसे ऊपर केकेआर की टीम पहुंच चुकी है और दोस्तों केकेआर ने 11 में से 8 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनके नेट रन रेट इस आईपीएल की सबसे बेहतर नेट रन रेट है।
क्योंकि उनके नेट 900+1.453 है और उनके 16 पॉइंट हो चुकी है, जहां उनके से 3 पॉइंट हो चुके हैं, सॉरी 3 मैच बचे हुए हैं। और 3 मैच अगर वो जीत जाती है तो उनका पूरी तरह पक्का हो जाएगा कि वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में KKR और राजस्थान की टीम का पूरी तरह पक्का दिख रहा है कि ये दोनों टीमें सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंच पाएंगी।